महर्षि फ्लावर डेकोरेटर्स एंड गिफ्ट शॉप, गुलदस्ते, बुके, कार सजावट तथा ताजी फूलों की सजावट के लिए संपर्क करें। रविवार सोमवार की दरमियानी रात बंडा थाना क्षेत्र में दो कार और एक मोटरसाइकिल में अचानक से आग लग गई, जिससे बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। हादसे में एक कार के इंजन का आगे का हिस्सा जल गया, वहीं दूसरी कार के टायर में आग लगी हुई थी। फिलहाल यह साफ नहीं हुआ है कि आग कैसे लगी, लेकिन ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि गाड़ियों में आग जानबूझकर लगाई गई है। बरा चौराहा निवासी शिक्षक नरेश मिश्रा ने बताया कि रात के करीब 2 बजे घर के बाहर रखी गाड़ी का हॉर्न बजा और घर से बाहर निकले तो देखा कि गाड़ी में आग लगी हुई है। घर के सभी लोगों ने आग बुझाई। थोड़ी दूर रखी मोटरसाइकिल में भी आग लगी थी। तुरंत ही डायल 100 पुलिस को फोन पर सूचना दी और सुबह पुलिस थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। रात करीब 2 बजे के लगभग गाड़ी से आवाज आई, अंदर हाल में सो रहे थे, गाड़ी बाहर रखी थी। जैसे ही आवाज आई, सायरन सा बजा गाड़ी का, तो हमने देखा तो गाड़ी होली की तरह धड़क रही थी, पूरी गाड़ी में आग पकड़ दी। तो हम लोगों ने सब घर के लोग इकट्ठे हुए और आग पानी से बुझाने लगे, और बुझाने के बाद देखा तो आगे मोटरसाइकिल रखी थी तो वो भी जल रही थी, जिसकी सूचना तत्काल 100 नंबर को दी, हम डायल किया। उसके बाद मैं स्वयं बड़ा चौकी पर गया, वहाँ पुलिस कांस्टेबल को जगाया, उपाध्याय जी थे वहाँ ड्यूटी में, और वो 100 नंबर लेकर के आए। फिर मौके पर देखा उन्होंने, उनने भी कैमरे से उसकी फ़ोटो ली गाड़ी की। तो रात में संदेह तो जा रहा है कि हो सकता है रंजिश आग लगाई गई है, पेट्रोल डाल के आग लगाई। वहीं पर सो रही थी और शटर के बाहर गाड़ी धरी थी, जब उसमें आग लगी तो उसकी खुशबू आई, तो फिर मैंने शटर खोल के देखा तो उसमें आग लगी थी। तो क्या लगता, किसने लगाई है, क्या लगी है? अब ये तो किसी ने लगाई तो होगी, ये बेदीद नहीं कह सकता कि किसने लगाई है। पहले इस तरफ भी धरी थी गाड़ी, फिर उस तरफ भी ले गए, मतलब उस तरफ ले जाके आगे लगाई। मामले में थाना प्रभारी सतीश सिंह का कहना है कि प्रधानाध्यापक नरेश मिश्रा ने शिकायत की है। घटना स्थल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं, जिसमें इनका प्यून महेंद्र अहरबार घटना स्थल पर दिखाई दे रहा है। इनका पुराना पैसा संबंधी विवाद रहा है। प्यून महेंद्र को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। आज नरेश मिश्रा जो कि प्रधानाध्यापक हैं कन्याशाला में, उनके द्वारा थाने में रिपोर्ट की गई है कि रात को करीबन 2 बजे 2:30 बजे के आसपास उनकी गाड़ी का सायरन बजा और सायरन बजने की आवाज़ सुनकर वो उठे तो बाहर उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी में आग लगी हुई है, जिसको उन्होंने अपने परिवारजनों के साथ आग को बुझाया है। सुबह सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर जो उधर एक प्यून है महेंद्र अहिरवा, वह उस सीसीटीवी फुटेज में उस गाड़ी के आसपास घटना के समय पाया गया है और उन्होंने ये बोला कि महेंद्र अहिरवा ने उसको आग लगाई है। महेंद्र अहिरवा को ही उन्होंने पूर्व में जो इनका वेतन संबंधी विवाद हुआ था उस पर से उन्होंने उस पर आग लगाने के लिए आरोप लगाया है, उस पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपी महेंद्र अहिरवा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, विवेचना कार्रवाई की जा रही है। पंडा से रवि सेन के साथ सूर्य कुमार दुबे, सागर टीवी न्यूज। महर्षि फ्लावर डेकोरेटर्स एंड गिफ्ट शॉप, गुलदस्ते, बुके, कार सजावट तथा ताजी फूलों की सजावट के लिए संपर्क करें। पता, नटराज होटल के बाजू में सिविल लाइन सागर। हमारे नंबर हैं 9425119333, 9303112228।